हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम्पलीफाई बोर्ड्स। आई एम योर टेक्निकल फ्रेंड संदीप, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीसीबी की बोर्ड की बनाने की प्रक्रिया जो होती है, जो उसका तरीका होता है, कैसे बनाते हैं हम। काफ़ी सारी वीडियोस में हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। पीसीबीज तो लगातार बन रही थी क्योंकि आप लोगों के ऑर्डर आ रहे थे, तो पीसीबीज वगैरह तो बन रही थी, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगा है आपके लिए, तो अभी हम बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक एक वे कैसे हम पीसीबी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ होती है वो होता है आपका लेआउट। तो आपको सबसे पहले आपके पास लेआउट होना चाहिए, उसका प्रॉपर साइज़ के हिसाब से कि कैसा आपको लेआउट चाहिए, सर्किट बनाओ। उसके बाद हमारे पास ऐसे एक प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये है हमारा 100 वॉट का। तो जो भी हम इस पर प्रिंट आउट निकालेंगे, जो ये पेपर है ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये ग्लॉसी पेपर है। ये ग्लॉसी मतलब अगर बोले तो जो हमारे फोटोग्राफर यूज़ करते हैं तो वो है, ठीक है। जो इस पेपर का साइज़ वगैरह है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि कौन सा पेपर, इसका पेपर का भी साइज़ होता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। और उसके बाद जो भी आप प्रिंट आउट निकालो, तो एक चीज़ ध्यान देने लायक है, तो जब आप प्रिंट आउट निकालो तो इस पर आपको टच करके देखना है कि थोड़ी सी इंक उभरी हुई है कि नहीं। और इसका रीज़न ये है कि अगर ये आपकी जो इंक है ये आपको हाथों से महसूस नहीं हो रही है, फील नहीं हो रही है उभरी हुई, तो आपका ये प्रिंट बिल्कुल भी पीसीबी पे सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मेरे वाला बिल्कुल राइट है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट प्रोसेस पीसीबी बनाने का। तो प्रिंट आउट मेरे पास रेडी है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट काम था हमारा कि आपका लेआउट होना चाहिए, सेकेंड वन आपका प्रिंट आउट बढ़िया होना चाहिए, और थर्ड हमारा स्टेप होगा कि इसकी प्रेसिंग, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा प्रेसिंग का। तो प्रेसिंग के लिए हमने यहाँ पे ऐसे कुछ लिया है, ये प्रिंट आउट मैंने इसको काटा, ठीक है, ये मैं तैयार कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ऐसे इस साइज़ में हमने बिल्कुल प्रिंट आउट के साइज़ में काटा और इसको फ्लिप करके हमने इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर प्रेसिंग कर रहा हूँ अच्छे से, ये देखो, ठीक है, आपके लिए मैंने पहले से दिखाने के लिए इसको प्रेसिंग करके रखा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके साइड से दिखाऊं तो आप देखो, ठीक है, ये देखो, तो आपको ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। जब जैसे ही ये आपका बिल्कुल ऐसे हर जगह से हो जाएगा सारा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंट है वो कॉपर क्लैड के ऊपर बिल्कुल बढ़िया से चिपक चुका है, ठीक है। तो प्रेसिंग में आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्रेसिंग में आपको जल्दी करोगे तो फिर आपका प्रिंट जो है कॉपर क्लैड के ऊपर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बैठेगा। तो उसमें आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल शांति का काम है। तो आपको इसमें ये लगा लो कि 15-16 मिनट बहुत आराम से लग जाएंगे, तो आप ये करते जाओ। और उसके बाद जो आपका जो होगा प्रिंट कुछ इस तरह से चिपक जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम इसको पेपर को उतारेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसमें जो पीसीबी है ये, इसमें अगर आपको ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ये वाला थोड़ा सा जो है इंक इसकी निकल गई है। तो अगर हम इसको एचिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ से हमारा कॉपर क्लैड भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए बिल्कुल देखो, बिल्कुल बढ़िया से हमारी पीसीबी सेट हुई है ये, इसको बिल्कुल बढ़िया से करने के लिए हम इसके ऊपर जुगाड़ लगाएंगे और इसके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ लगा देंगे ताकि हमारा यहाँ से कॉपर ना निकले। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पहले जो बोर्ड दिखाया था ये वाला पीसीबी, तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि कुछ ऐसा हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास जब मैं आपको दिखा रहा था प्रेसिंग के लिए कि दूसरे बोर्ड पर प्रेसिंग चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको साथ के साथ इसका निकाल के दिखाऊं कि कैसे निकालते हैं। तो अब ये हमारा, जब हम इसकी प्रेसिंग कर चुके होते हैं तो इसको, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हमें इसको ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि ठंडा करने के बाद हम जो प्रिंट है वो इंक जो है आसानी से कॉपर क्लैड के ऊपर चिपक जाए और ये वाला हम जो पेपर है वो निकाल सके। तो चलो इसको पेपर निकालते हैं। जड़े तो थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा हमारा ये यहाँ से प्रिंट निकला है बिल्कुल मामूली सा। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुछ
पेंट वेंट लगा लेंगे। अगर आप घर में होगी आपकी ब्लैक वाली नेल पॉलिश तो आप ब्लैक वाली नेल पॉलिश भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपने दोस्तों ढंग से अगर आपने कर ली ना प्रेसिंग व्रेसिंग ढंग से कर ली, आपका प्रिंट अच्छा हुआ, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल टाइप का होगा। इसके सर्किट्स बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक होल चमक रहे हैं, ठीक है। तो ये तरह इस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ढंग से आपको करनी पड़ेगी प्रेसिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आएगा हमारा एचिंग का। तो अब हम करते हैं इसकी एचिंग। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एचिंग। तो ऐसे आपको कोई एक प्लेट ले लेना, ये भी मेरे पास प्लेट पड़ी थी तो ये प्लेट ले ली हमने। तो और ये है हमारे पास लिक्विड जो कि हम घरों में फर्श वर्श साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला ये लिक्विड है। और आप ये ध्यान रखना कि आपको ये जो प्लेट आपको लेनी है, ट्रे वगैरह लेनी है, तो ये आपको प्लास्टिक की ही लेनी है, ठीक है। तो इसमें हम लिक्विड डाल देंगे जितना कि ये डूब जाए आराम से। और जो हमारा दूसरा ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, ये रहेगा हमारा हाइड्रोजन का। तो ये है हमारी हाइड्रोजन, ये इसमें डाल देंगे। देख लो कितनी डाली है, बस जैसे ही आप डालोगे तो उसके बाद देखो ये अपने आप ही मिक्स होके अलग से कलर में आना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो ध्यान से, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एचिंग करना। अब इसको हम आराम आराम से ऐसे हिलाएंगे ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए और इसका पूरी तरह से आपको जो ये सॉल्यूशन हमने बनाया है इसका पूरी तरह से ग्रीन कलर हो जाएगा। तो जो हमने दोबारा जो डाला था लिक्विड, ये था हमारा हाइड्रोजन, ये दुकानों पे आसानी से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हम इसकी एचिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये करते रहेंगे हम ऐसे ही। तो जहाँ पर हमारी इंक है वहाँ जो कॉपर होगा कॉपर क्लैड का वो रह जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्रिंट नहीं है वो हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा और हमारी पीसीबी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको करते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एचिंग हो चुकी है और हम इसको फिर पानी से वॉश कर लेंगे उस सॉल्यूशन में से निकाल के। और देखो हमारी इंक भी अपने आप ही निकल रही है इसकी, हालांकि इसके लिए निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये अपने आप निकल रही है। तो अब निकल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश करते हैं, फिर वॉश करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों एचिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसको पानी से वॉश कर दिया था तो थोड़ी थोड़ी सी इंक बची थी तो इसके ऊपर लोहे के जूने वगैरह से मैंने इंक पूरी निकाल दी। तो इस तरह की कुछ पीसीबी हमारी बनके तैयार है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप क्या क्वालिटी है इसकी, कितने साफ साफ हमारे प्रिंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप अच्छे से प्रेसिंग करोगे तो इसी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आपको इतनी अच्छी पीसीबी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर उसके बाद फिर वही टेंशन रहेगी कि ये नहीं निकला वो नहीं निकला, प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ, फिर उसके बाद आप एचिंग करोगे, एचिंग से कॉपर इधर उधर निकल जाएगा, आप हमारे सर्किट ठीक से नहीं आएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी। तो आपको बड़े ध्यान से ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है जो ये हमारे होल्स हैं इनमें हम होल्स ठीक से कर देंगे, ठीक है, ड्रिल के साथ, तो हमारी पीसीबी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि कैसे पीसीबी बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है पीसीबी बनाने में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अब आपका टर्न आता है कि आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और सपोर्ट के लिए तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छी है बुरी है सब कमेंट सेक्शन में बता देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।